नमस्कार दोस्तों, आज जो नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं वो नुस्खा हर तरह के सर दर्द पर बेहद असरदार है। ये नुस्खा इतना कारगर है कि इसके एकमात्र सेवन से ही इसका फर्क आपको साफ दिखाई देगा। लेकिन ये नुस्खा कैसे सर दर्द और माइग्रेन जैसी बीमारी पर असरदार है, कैसे ये इस बीमारी पर जड़ से काम करता है, ये सब जानेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। अब हम आपको ये नुस्खा बताएं उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार सर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्या होती क्यों है। सर दर्द की वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन सर के नसों में अधिक खून बह जाना या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाने या कम हो जाने से भी सर दर्द होता है। वैसे तो सर दर्द एक बहुत आम समस्या है, लेकिन इससे अक्सर लोग परेशान रहते हैं। ज्यादातर मामलों में सिर दर्द अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन गंभीर मामलों में आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ जाता है। ऐसे में आज हम आपको ऐसे नुस्खे बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप सिर दर्द से जुड़ी तमाम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अब इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है ये भी जान लेते हैं। इसके लिए हमें यहाँ सबसे पहले जरूरत होगी काली मिर्च की, वही हमें चाहिए होगा गाय का घी। काली मिर्च की तासीर बेहद गर्म होती है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ठंड के दिनों में ज्यादा किया जाता है। लेकिन गर्मी के दिनों में भी आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, तो इसका सेवन का तरीका हमें यहाँ बदलना होगा। तो अब हम गर्मी के दिनों में इसका सेवन कर रहे हैं, तो हमें इसका सेवन करने के लिए घी का इस्तेमाल करना होगा। घी की तासीर बेहद ठंडी होती है, ऐसे में घी का सेवन काली मिर्च के साथ करने से इसका कोई नुकसान नहीं होता और घी काली मिर्च के गर्म कंजेक्शन को कम कर देता है। हालांकि इन दोनों चीजों को एक साथ लिया जाता है तो इनका फायदा दोगुना बढ़ जाता है। घी विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट का बेहतर स्रोत है, जिसके गुण कैंसर, गठिया, मोतियाबिंद और किसी भी प्रकार के दर्द के जोखिम को कम कर सकता है। वही काली मिर्च भी जोड़ों का दर्द, गठिया, लकवा, खुजली और सर दर्द आदि में बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन अब इनका सेवन आपको करना कैसे है ये भी आपको बता देते हैं। हमें यहाँ 10 काली मिर्च ले रहे हैं, हमें इन 10 काली मिर्च को चबा चबा कर खाना है और इसी के साथ हमें 2 चम्मच घी भी पीना है। लेकिन इन दोनों को आपको लेना कब है ये सबसे जरूरी है। दरअसल हमें इसका सेवन सुबह सुबह करना है, यानी 5:30 या 6 बजे, जिसे हमें खाली पेट लेना होगा और इसके सेवन के बाद 1 घंटे तक हमें पानी नहीं पीना है। अब अगर आप भी माइग्रेन की समस्या से या सर दर्द से जुड़ी समस्या से परेशान हैं, तो इसका सेवन सही वक्त और सही तरीके से ही करना होगा। वही यहाँ जो सबसे जरूरी है कि जब तक आप इस नुस्खे को अपना रहे हैं तब तक आपको तला भुना नहीं खाना है। अब अगर आप बताए तरीके से इसका सेवन करते हैं तो 10 दिनों में आपको इसका पूरा असर दिखेगा, इसलिए इसका सेवन भी आपको केवल 10 ही दिनों तक करना है। वही सर दर्द और माइग्रेन की समस्या से निजात पाने के लिए आप एक और नुस्खा अपना सकते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ चाहिए होगा गोंद मोरिंगा, जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसे हम पीस कर इसका चूर्ण बना सकते हैं। अब हमें इसे लेना कैसे है, हमें 1 ग्लास पानी लेना है और इसमें 1 ग्राम गोंद मोरिंगा डालकर इसे अच्छे से मिला लेना है और अब ये तैयार है। लेकिन इसका सेवन करना कैसे है ये भी जान लीजिए। इसे आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, 1 सुबह खाने से पहले और रात को सोने के बाद। इस तरह से अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपको सर दर्द के साथ साथ आपको कई तरह की बीमारियों में भी निजात मिलेगी। अब अगर आप भी सर दर्द की समस्या से परेशान हैं या माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको परेशान किए हुए है, तो आप भी काली मिर्च और घी का सेवन इस तरह से जरूर करें। अब वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।